भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामला जी, योग मार्तंड मूलकेश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सरस्वती स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज सत्संग आरंभ करते हैं और सत्संग आरंभ करने के पहले गुरुदेव की चरण में प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपके लिए कहा गया मुखम करोति वाचालम् पंगु लंगेरे गिरम यत् कृपाति हम वंदे परमानंद श्री मध्वम। हे प्रभु, आप उस ईश्वरीय शक्ति के मालिक हैं जो गुंगों को बुलवा देते हैं, लंगड़े चलवा देते हैं, बहरे सुनने लगते हैं और अंधों को आंखें मिल जाती है। हे गुरुदेव, आप अपनी शक्ति से अपने शिष्यों पर, अपने शरण में आने वाले भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं। आइए आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से ये सत्संग आरंभ करते हैं। इस सत्संग में जो बुलाएंगे हे नाथ, आप जी बुलवाएं और आप जी हम बच्चों पर कृपा करें जो आजकल आप जी गीता सार के अंतर्गत गीता का ज्ञान का वर्षा हम बच्चों पर कर रहे हैं, तो ज्ञान हमें समझ आ जाए और हम उसी ज्ञान के अनुसार अपना जीवन को चलाकर आप जी की कृपा पात्र बने। वो सगुदेव भगवान की जय। पिछले अध्याय में महाराज जी ने ज्ञान योग के बारे में हमें बहुत अनमोल प्रवचन कहे। ज्ञान योग के बाद आगे महाराज जी फरमाते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें कर्म को नहीं त्यागना, यानी कि ज्ञान योग में भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश किया कि अर्जुन तू अपना कर्म कर और इस कर्म को निष्काम भावना से कर और तू कर्म करते भी फल को नहीं भोगेगा, क्योंकि प्रत्येक मानव की जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है और भगवान ने आत्मा के पूरे स्वरूप के बारे में अर्जुन को ज्ञान दिया। तो आत्म ज्ञान पाकर और भगवान ने कहा जब तू अपनी आत्मा को जान लेगा तब कुछ कर्म करता हो भी तू कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। यानी कि अब अर्जुन को यह समझ आती है कि ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान अनुसार चलना ये जीवन में सबसे उत्तम कर्म है। अर्जुन को ऐसा ज्ञान पाकर एक प्रश्न मन में आता है, हे प्रभु, जब आप फरमा रहे हैं ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है तो मैं कर्म क्यों करूं, मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है और मैं इस कर्म को त्यागना चाहता हूं, यानी कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। पर भगवान तो अर्जुन को कर्म योगी बनाना चाहते थे और भगवान को पता है कि मनुष्य जीवन में ज्ञान के साथ साथ कर्म भी अत्यंत आवश्यक है। तो ज्ञान के साथ साथ हमें कर्म के बारे में व्यवहारिक ध्यान देने के लिए भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि अर्जुन इस संसार में, जब अर्जुन ने यह सवाल करा कि प्रभु मैं तो बहुत विचलित हो गया, उधर आप कहते हैं ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जीव जो है वो मोक्ष पद परम गुरु को पद को पार लेता है, तो मैं ये कर्म क्यों करूं, ये युद्ध करने वाला, अपने परिवारों को मारने वाला, क्योंकि अर्जुन का मन मोह युक्त था, मोह में वो बिल्कुल अंदर तक जा चुका था, तो इसलिए अंदर से परेशान था। हमारे जीवन में भी जब मोह आ जाती है तो हम दुखी होते हैं और जब मोह हट जाता है हम परमात्मा का आनंद लेते हैं तो हम सुखी रहते हैं।
वो अवस्था अर्जुन की बन चुकी थी। तो वो विचलित होकर भगवान से पूछता है, प्रभु आप मुझे रास्ता बताओ, उधर आप मुझे बताएं कि जब ज्ञानी श्रेष्ठ है तो मैं कर्म को त्याग दूं, या फिर आप बताएं मैं ज्ञान को लूं, कर्म को त्यागूं, या कर्म को प्राप्त करूं, ज्ञान को छोड़ू। यानी कि अर्जुन विचलित हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को क्या फरमाता है कि देख अर्जुन, इस संसार में जो लोग हैं, मनुष्य है, उनके अंदर दो तरह की निष्ठा है। एक तरह के लोग सिर्फ ज्ञान मार्ग को ही अपनाते हैं और ज्ञान में अपना जीवन बिताते हैं, जिनको ज्ञानी पुरुष कहते हैं। और एक तरह के वो लोग है जिनको कर्म योग में निष्ठा है, वो योगी होते हैं। योगी जो है था होते वो कर्म कर्म में उनको निष्ठा होती है। तो दो तरह के होते हैं, एक तो कर्म योग में निष्ठा रखने वाले योगी होते हैं और एक ज्ञान को प्राप्त करके जीवन बिताने वाले ज्ञानी पुरुष होते हैं। अब भगवान कहते हैं, अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है या अर्जुन को क्या करना है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर तू कर्म को छोड़ देता है फिर भी तू कर्म को छोड़कर बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, यानी कि मोक्ष पद परम पद को तू नहीं पा सकता। कोई भी संसार में कर्म को त्याग कर कर्म परम पद या मोक्ष पद को न प्राप्त हुआ, ना उसके कर्म बंधन छूटे। फिर और भगवान कहते हैं कि प्रकृति में जो ये तीन गुण है, सत रजम, और मानव का शरीर भी प्रकृति से बना है, तो प्रकृति के जो तीन गुण है ये मानव को नाच नचाती रहती है। कभी मानव सात्विक बन जाता है, कभी तामसिक बन जाता है, और कभी राजसिक बन जाता है। तो इन तीन गुणों के कारण कहते मानव बिना कर्म करे रह ही नहीं सकता। मानो किसी ने हट करके इंद्रियों को रोक दिया, परंतु उसका मन तो नहीं रुकता, उसका मन विषय भोगों के चिंतन में फंसा रहता है। ऊपर से वो हट करके दिखाता है मैंने अपने हट करके इंद्रियों को रोक लिया, परंतु मन ही मन वो विषय भोग में पड़ा रहता है। कहते हैं अर्जुन, ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग अहंकारी होते हैं, दम्भी होते हैं, कि ऊपर से ये दिखावा करते हैं कि देखो मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया, परंतु वो अपने मन को नहीं वश कर सकते। मन को वही वश कर सकता है जिसका मन निर्मल है, जिसके विचार सात्विक है, और जिसका मन के अंदर अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, तो वही मन शुद्ध पवित्र होता है। और ऐसे व्यक्ति ही अपने इंद्रियों को मन रहित इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। जो जो साधक या जो भक्त केवल हट से इंद्रियों को वश कर लेता है और मन को नहीं वश कर सकता, क्योंकि उनके मन में अहम होता है, और जब तक मन में अहम हो तब तक वो मन वश में नहीं आ सकता। तो कहते हैं ऐसे लोग दम्भी होते हैं। और मन से जो दो व्यक्ति अपने अंगों को वश में करके और मन को भी संग से रहित रखता है, इंद्रियों के विषय भोगों को तो त्यागता ही है, मन को भी निलेप रखता है, और वही वो कर्म योग का आचरण होता है। ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है वो कर्म योगी कहलाता है। कौन? कि जिसने अपने इंद्रियों को वश में करते हुए, अपने आप को निलेप रखते हुए आचरण करता चला जाता है, अपने कर्तव्य को करता चला जाता है, यानी कि कर्म योग करता है। और हे अर्जुन, वही कर्म योगी सबसे श्रेष्ठ है। तो इसीलिए तू मन सहित इंद्रियों को वश में करके जो तेरा इस समय कर्तव्य है
युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना ये तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म योग है और तू तभी कर्म योगी कहलाएगा। आगे वो कहते हैं कि तू इस कर्म को अपना धर्म समझकर युद्ध क्षेत्र का ये जो युद्ध करना इस कर्म को त्याग कर और कर्म कर कर्म को कर और कहते कर्म करना कर्म त्याग से ज्यादा श्रेष्ठ है। कहते अर्जुन कर्म को त्याग करना ये अच्छा कर्म नहीं है, कर्म करना ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो इसलिए भगवान सदगुरु हमें उपदेश देते हैं कि मनुष्य चोला में आकर हमें कर्म करना चाहिए। कर्म को अगर त्याग देंगे तो ऐसा नहीं है कि हम कर्म बंधन छूट जाएंगे या कर्म को त्याग करके हम परम पद को पा लेंगे, ऐसा नहीं। तभी हमारे गुरुदेव हमें उपदेश दे रहे हैं कि योग सीखो और दूसरों को योग सिखाओ। एक योगी का क्या धर्म है, योगी का क्या कर्म है? योगी निष्काम कर्म करता है, योगी परहित में कर्म करता है, क्योंकि योगी की आत्मा बहुत शुद्ध पवित्र होती है। योगी वही जिसका मन 24 घंटे परमात्मा में लीन रहता है और जिसकी जिसका मन इंद्रियों के विषय भोगों में नहीं फंसता और जो अपने साधना के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, ऐसा योगी जो कर्म करता है वो श्रेष्ठ कर्म योगी कहलाता है। और ऐसा योगी ही अपने जीवन में कर्म योग का आचरण करता है। इसलिए प्रभु जी हमें कहते हैं कि हम लोग जो योगी गुरु के शिष्य लोग हैं, हमारा परम धर्म क्या है कि हम योग विद्या को अपने जीवन में अपनाएं, साथ में ज्ञान ज्ञान योग को भी अपने जीवन में अपनाएं। यानी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये देह क्या है, जीवन क्या है, जीव क्या है, इसके बारे में ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने मन को परमात्मा में लय करते हुए हमें परमार्थ में कर्म करना चाहिए और तभी हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं और तभी हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा दरबार जो है योगेश्वर भगवान का दरबार, इसको इतना निराला दरबार इसलिए कहा गया कि हमारे दरबार में जो गुरुदेव ने हमें योग सिखाया और योग सिखाकर हमें आज्ञा दी कि दूसरों को योग सिखाओ, उससे क्या होता है हमारे अंदर एक दया भाव भी आती है, एक निष्काम कर्म का भाव जागृत होता है और इस प्रकार निष्काम कर्म करके हमारे जो आत्मा के ऊपर जो मल विक्षेप का आवरण पड़ा हुआ है, आवरण का पर्दा पड़ा हुआ है, वो मल विक्षेप आवरण का पर्दा वो हट जाता है और हमारे आत्मा अपने प्रकाश से प्रकाशित हो उठती है। और महाराज जी का फरमान है, योग करना करवाना ईश्वर से मिलने का एक सरलतम और सर्वोत्तम साधन है। संसार में ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि जिस मार्ग में जाकर आप निष्काम कर्म कर सके या अनासक्त भाव से कर्म करके आप परम पद की प्राप्ति के ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारा भगवान का जो योगेश्वर भगवान का ये जो दरबार है बहुत ही निराला दरबार है, क्योंकि इस दरबार में गुरुदेव अपने शिष्य को निष्काम उपदेश करते हैं। लिए अब आगे भगवान कृष्ण को कहते हैं कि कर्म संसार में कर्म बहुत से हैं, जैसे हमारे गुरुदेव ने हमें योग का कर्म के बारे में ज्ञान दिया और गुरुदेव ने कहा कि योग खुद भी करो और अन्य को योग कराओ, और क्योंकि योग से तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है और आत्मा में प्रकाश उठता है, आत्मा अपने प्रकाश में प्रकाशित होती है। तो भगवान
कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यज्ञ कर्म के बारे में उपदेश दिया कि यज्ञ करना, यज्ञ का मतलब परमात्मा के नाम पे कर्म करना, उसको यज्ञ कहा गया, यानी कि ऐसा कर्म जिस कर्म से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो। कहते यज्ञ का यज्ञ करना ये सबसे उत्तम कर्म है। और महाराज जी ने फरमाया कि योगी पंच भौतिक यज्ञ करता अपने अंदर। वो कहते कि हमारे अंदर 22 तरह के वायु है, उनमें से 5 वायु प्रधान है, प्राण अपान उदान ज्ञान समान। महाराज जी फरमाते हैं कि योगी अभ्यास करते हुए प्राण और अपान वायु को मिलान करता है, तो उसमें व्यान उदान समान तीनों वायु को मिला देता है, मिलाकर वो अंतर आत्मा में परमात्मा की प्रकाश, परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करता है। और इसको कहते हैं पंच भौतिक यज्ञ, क्योंकि जैसे हम समीदा जलाकर यज्ञ करते हैं और वह आहुति डालते हैं और धीरे धीरे वो समीदा जल की राख हो जाती है, उसी प्रकार महाराज जी फरमाते हैं कि पंच भौतिक यज्ञ करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार सभी दग हो जाते हैं। और जब तक कर्म संस्कार दग नहीं होते तब तक ये जन्म और मरण ये दोनों बातें बनी, ये दोनों बातें चलती रहती है। जीव बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त कर होता है। तो कहते जन्म मरण के चक्कर से छूटकर परम पद यानी मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए ये पंच भौतिक यज्ञ ये अति उत्तम कर्म है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जो जीव यज्ञ के सिवा और कोई भी कर्म करता है तो वो कर्म बंधन में फंस जाता है। और क्योंकि यज्ञ के सिवा जितने कर्म होते हैं वो आसक्ति के साथ किया जाते हैं। हर कर्म में जीव के अंदर कोई ना कोई आसक्ति बनी रहती है। केवल यज्ञ रूपी जो कर्म है ये ऐसा कर्म है जिस कर्म को जीव अनासक्त भाव से करता है, यानी कि अनासक्त भाव से जो कर्म किया जाता है उस कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। और भगवान ने कहा अर्जुन तू इस यज्ञ को कर। और कहते कि यज्ञ की यज्ञ करने से हमारे पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं कि अर्जुन ये यज्ञ की जो रचना है ये ब्रह्मा ने की है, और ब्रह्मा ने यज्ञ की रचना करी और यज्ञ को जो प्राप्त यज्ञ को भी तब हम प्राप्त कर सकते हैं कि जब आप यज्ञ करोगे और यज्ञ करने से देवी देवता प्रसन्न होंगे, यज्ञ करने से हे अर्जुन तुम्हें आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि यज्ञ के जो जन्मदाता है वो ब्रह्मा जी है, और इसीलिए इस कर्म को उच्च कोटि का कर्म कहा गया। जिस प्रकार हमारे प्रभु जी योगेश्वर भगवान स्वयं वो योग क्या करते थे, उन्होंने लोगों को योग कराए, योग की विद्या का दान दिया, और प्रभु जी हमें हमेशा उपदेश किया करते थे, आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि स्वयं योग करो और लोगों को योग कराओ। यानी कि ये एक योग करना कराना एक ईश्वरीय कार्य है। उसी प्रकार उस समय क्योंकि अर्जुन युद्ध क्षेत्र से विचलित हो रहा था, युद्ध करने के लिए वो बिल्कुल पीछे हट रहा था, तो अर्जुन को कहा कि इस कर्म को तुम यज्ञ समझ के करो, और यज्ञ को यज्ञ के जन्म देने वाले यज्ञ की रचना ब्रह्मा जी ने की, और इसीलिए कि तुम इस यज्ञ को करके तुम्हें इस यज्ञ का अच्छा फल मिलेगा, तो इसीलिए तुम भगवान के कार्य समझते हुए इस यज्ञ को करो। और यज्ञ करने से 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं,
इसलिए हमारे मुल्केश्वर भगवान ने यह हवन यज्ञ का सिस्टम शुरू कराया था और देवधर महाराज जी ने उसे आगे बढ़ाए। आज भी हम प्रत्येक आश्रमों में साप्ताहिक हवन यज्ञ करते हैं। बड़े बड़े जो हमारे योग के सम्मेलन होते हैं वहां भी हम हवन यज्ञ करते हैं। तो हवन यज्ञ करने से 33 कोटि देवी देवता की हमें आशीर्वाद मिलता है, उनकी प्रसन्नता मिलती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो यज्ञ का जो कर्म है ये निस्वार्थ कर्म है, और जो कर्म निस्वार्थ किया जाता है उसी कर्म का फल अच्छा होता है। तो इसीलिए अर्जुन युद्ध क्षेत्र में जो तू युद्ध करेगा इसको एक यज्ञ समझा के, यज्ञ समझ के, यज्ञ मानकर इस कर्म कर। और भगवान कहते हैं कि जो तू इस यज्ञ को करेगा तो तू सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान अर्जुन को बार बार निस्वार्थ भावना से कर्म करने के लिए उपदेश करते हैं, पैदा और प्रेरणा देते हैं अर्जुन को। तो वो कहते हैं कि जो हम यज्ञ का जो प्रसाद खाते हैं, यज्ञ का प्रसाद खाने से जो भी जीव यज्ञ का प्रसाद खाता है वो हर प्रकार से पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने बार बार अर्जुन को कहा कि अर्जुन निष्काम और अनासक्त भावना से कर्म कर और इस कर्म करने का तुझे अच्छा फल मिलेगा। तो उसी प्रकार हम भगवान के उपदेश को आज हमारे जो गुरुदेव इस राम मूलक दयाल दरबार में जो गुरुदेव भी हमें वही उपदेश करते हैं कि हमें जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त रहने के लिए भगवान प्रभु जी हमें कहते हैं कि बेटा योग करो और योग कराओ, और जितना योग करोगे उतना तुम्हारी आत्मा में प्रकाश आएगी, तुम्हारी आत्मा चमकेगी और उतना ही तुम परमात्मा की प्राप्ति के ओर आगे बढ़ोगे। और हमारे भगवान कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि मनुष्य जन्म में जो करने वाले कर्तव्य है पवित्र कर्म उनको निष्काम और निस्वार्थ भावना से करो, अनासक्त भावना से करो, और इन कर्म को करते हुए अपना एक ही लक्ष्य रखो कि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना। उसके लिए दिन रात निरंतर आप अभ्यास करो, और जितने आप निष्काम कर्म करोगे और जितने आपके जन्मों के पाप दग्ध होंगे उतना ही आपको अभ्यास में सफलता मिलेगी। और अभ्यास में सफलता का मतलब क्या है कि आप हर पल अपनी आत्म अवस्था में स्थित रहोगे, और जो अभ्यासी अपने आत्म अवस्था में स्थित रहता है तो वो हर प्रकार के कर्मों से मुक्त रहता है। वो कुछ भी कर्म करता है वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप इस स्थिति आत्मा में हो जाती है, क्योंकि आत्मा निर्लेप है पर आपके अंदर उस समय निर्लेपता आ जाती है, केवल आपकी इंद्रियां कर्म करती है, उस समय कर्म में आपका मन आसक्त नहीं होता, आप उस समय का कर्म आपका अनासक्त भावना से होता है। और जो जीव अनासक्त भाव से कर्म करते हैं तो उनको कर्म करते भी वो अकर्ता रूप रहते हैं और इसीलिए वो कर्म बंधन में नहीं फंसते। तो इतना ही आज निष्काम कर्म के ऊपर यानी कि कर्म युग के ऊपर प्रभु जी इतना ही हमें ज्ञान देना चाहते हैं, और हम इस ज्ञान का सार समझे और सार समझते हुए जीवन में कुछ भी कर्म करें उस कर्म के लिए हमारे अंदर कोई कामना ना हो, हमारे अंदर कोई स्वार्थ ना हो और हमें उस कर्म के प्रति आसक्ति ना हो। एक प्रवचन में महाराज ने फरमाया कि आप जैसे सेवा करते हो आपको सेवा में बहुत आनंद आता है, अगर और सेवा एक बहुत उच्च कोटि का कर्म है, हित में जीना दूसरों की सेवा करना, तो सेवा के लिए भी प्रभु जी फरमाते हैं महाप्रभु जी कि सेवा के प्रति भी आपको आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर सेवा भी आप आसक्ति के साथ करते हो उसमें भी आप कर्म बंधन में फंस जाते हो।
सेवा भी अनासक्त होना से आपने करना है, यानी कि दरबार की जो हम सेवा करते हैं, इस सेवा में भी हमारे अंदर ये भावना होना चाहिए, इस सेवा हमारा एक धर्म है, एक हमारा कर्तव्य है। हम आश्रम में रहते हैं तो आश्रम की जितनी ड्यूटीज है, जो कर्तव्य है, उन कर्तव्य को हमने निष्काम भावना से उन कर्तव्य का पालन करना है। कोई दुखिया आ जाए तो उसकी सेवा करना हमारा धर्म है, और उसकी सेवा करते हुए भी हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं आना चाहिए। कहते हैं जो कर्म आसक्ति के साथ किया जाता है, चाहे सेवा क्यों ना हो, वो हमारा कर्म बंधन बन जाता है, उस कर्म का फल हमें फिर भुगतना पड़ता है। ये जरूर है कि अच्छे कर्मों का फल हमें स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्मों का फल हमें नरक मिलता है, परंतु फल दोनों कर्मों में है। अगर उन कर्मों को अच्छा करो या बुरा करो, अगर आप आसक्ति के साथ करते हो तो उस कर्म का वो कर्म बदन रूप बन जाता है, उस कर्म का हमें फल भुगतना पड़ता है। और महाराज जी फरमाते हैं कि अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल भुगतने के बाद जीव के जो कुछ और कर्म बच जाते हैं, वो प्रारब्ध कहते हैं। उन उन प्रारब्ध को पूरा करने के लिए, उन प्रारब्ध को भोग भोगने के लिए भगवान जीव को मनुष्य चोला में भेजते हैं। और मनुष्य जन्म इसलिए होता है, मनुष्य जन्म में हमारे जो प्रारब्ध है, उन प्रारब्ध को भुगतने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। और इस जन्म में फिर हम अगर और आसक्ति के साथ, कामना वासना के साथ कर्म करने लगेंगे, फिर और बंधते चले जाएंगे, और बनते जीव ऐसा बन जाता है कि तो मरण जन्म मरण के चक्कर से मुक्त ही नहीं हो पाता, यानी कि हमेशा हमेशा वो दुख में ही रहता है, कला क्लेश में कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ना गुरुदेव का गुरुदेव की आज्ञा पालन करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम अभ्यास करें, मन को आत्मा में स्थित रखते हुए अपने आप को असंग बना ले, निर्लय बना ले, और अनासक्त भाव से निष्काम कर्म करे, कामना रहित कर्म करे, जिससे कि कर्म कर करके हम पिछले जन्मों के कर्म संस्कार को काट सके, और जीवन मुक्त इसी जन्म में हो जाए, और इस जन्म के बाद हमें भगवान की कृपा से परम पद यानी कि मोक्ष पद की प्राप्ति हो। परम पद यानी कि मोक्ष पद को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का चरम ध्येय है, और गुरुदेव हमें यही उपदेश देते हैं। यानी कि द्वापर युग में भगवान ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में आकर अपने कर्तव्य के बारे में जो ज्ञान दिया, इस युग में वही भगवान योगी के रूप में हमें निष्काम और निर्लेप और अनासक्त भाव से, निस्वार्थ भाव से योग रूपी योग सिखाना, जो करना कराना योग वाले कर्मों का उपदेश महाराज देते हैं। तो तभी कहा गया वही परम परमेश्वर जो त्रेता युग में राम बनकर आए, द्वापर युग में किशन बनकर आए, वही भगवान कलयुग में योगी बनकर आए। हमारे योग योगेश्वर महाब्राह्मण जी अनंत कलाओं के, अनंत ईश्वरीय कलाओं के मालिक है, जिन्होंने अपनी सभी सिद्धि शक्तियां हमारे गुरुदेव मुलकेश्वर भगवान को दी, और जिन्होंने अपनी सारी सिद्धि शक्तियां हमारे प्राणाधार प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम आदरणीय योगेश्वर गुरुदेव देवीदयाल महाराज जी को दी, और हम उन्हीं की उन्हीं से प्राप्त इस ज्ञान की चर्चा कर करके अपना जीवन और जन्म सफल बना रहे हैं। और इस प्रकार के सत्संग से हमारा मन धुलता है, हम पवित्र होते चले जाते हैं, और हमारे अंदर ईश्वर सदगुरु भगवान के प्रति प्रेम भाव जागता है, और ये प्रेम भाव की सप्लाई गुरु करते हैं। जिसके हृदय में प्रेम है वही परमपिता परमेश्वर को आसानी से प्राप्त कर लेता है। भगवान केवल प्रेम के वश में होते हैं, इंसान ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं पा सकता, जितना कि भगत प्रेम के द्वारा भगवान को पा लेता है। और ये प्रेम तब जागती है
जब हम नित प्रति अभ्यास करें, गुरु के प्रति अथाह श्रद्धा हो, आस्था हो, गुरु के प्रति प्रेम हो, तब हमारे हृदय में ये प्रेम भाव जागृत होती है। यानी कि प्रेम की सप्लाई गुरु ही करते हैं। इस प्रेम के द्वारा हमारे अंदर का प्रेम है तो हम प्रेम ही बटेंगे, और जितने भगवान के भक्तों के प्रति हमारी प्रीति प्रीत होगी, प्रेम भाव होगा, उतना ही भगवान का हमें प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, और हर पल हमें अपने गुरुदेव की प्रसन्नता और प्रेम प्राप्त हो। उसके लिए हमें हर पल जागरूक रहना चाहिए, हर पल हमें सजग रहना चाहिए, और हर पल उसी की तरफ हमारी टर्च बनी रहनी चाहिए। हमें हर पल अपने जीवन में उत्साहित बन के रहना है। सफलता असफलता तो भगवान के हाथ में। हमें अपना जीवन में अपना पुरुषार्थ कभी नहीं त्यागना चाहिए। जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, हमेशा हमें उस लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हुए अपने कर्तव्य पर कर्तव्य को निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। तभी हम परमपिता परमेश्वर के सुपात्र बनेंगे, उनका आशीर्वाद और हमें प्रसन्नता मिलेगी। इतने कहते हुए आज अपनी वाणी को विराम देंगे, और इसी निष्काम कर्म के ऊपर और आगे कल प्रभु जी हमें और भी विस्तार से ज्ञान देंगे। तब तक के लिए बुद्ध गुरुदेव भगवान की अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, योगेश्वर मुलकेश्वर भगवान की जय हो, योगेश्वर देवीदास भगवान की जय हो।